महीना शुरू और साथ ही नए नियम शुरू। आखिर भारत है ही इसी का नाम। नया महीना शुरू हुआ नहीं कि जनता पर सरकार की मार लगनी शुरू हो गई। जैसे कि आपको पता ही है कि 1 सितंबर से चालान लागू हुआ था, वहीं 1 अक्टूबर से बैंकों में भी काफी बदलाव आए थे और अब 1 नवंबर से एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे नियम बदलने वाले हैं। महाराष्ट्र में तो सरकार ने बैंकों के टाइमिंग्स में भी चेंज किया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से नियम हैं जो 1 नवंबर से बदलने वाले हैं। नमस्कार, मैं कविता जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ पोस्टपुल न्यूज एंड मीडिया में। सबसे पहले हम बात करेंगे SBI ग्राहकों के लिए। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो 1 नवंबर 2019 से डिपॉजिट पर ब्याज की दरें बदल जाएंगी। बैंक के इस फैसले का असर 42 करोड़ ग्राहकों पर होगा। SBI ने इस संबंध में 9 अक्टूबर को जानकारी दी थी। बैंक की घोषणा के मुताबिक 1 लाख रुपए तक के जमा धन पर ब्याज की दर 0.25% घटाकर 3.25% कर दी है। 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपके बचत खाते में बैलेंस है तो उस पर ब्याज अब रेपो रेट के अनुसार मिलेगा। वर्तमान में यह 3% है। दूसरे नंबर पर आता है रसोई गैस। 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। लगातार तीसरे महीने रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी को झटका लगा है। देश के प्रमुख महानगरों में बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर करीब 76.5 रुपए महंगा हुआ है। आखिर सरकार गैस सिलेंडर को महंगा करना कैसे भूल सकती है? इसलिए आज से दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आपको 681.50 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कोलकाता में इसका दाम 706 रुपए है। वहीं मुंबई और चेन्नई में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम क्रमश 651 और 696 रुपए है। वहीं 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1204 रुपए हो गई है। कोलकाता में 1258 रुपए, मुंबई में 1151.50 रुपए और चेन्नई में इसका दाम 1319 रुपए हो गया है। अगर आप भी कार लेने के मूड में हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि 1 नवंबर से कारों पर मिलने वाली भारी भरकम छूट नहीं मिलेगी। इस समय वाहन कंपनियां कारों पर भारी छूट के साथ कई ऑफर भी दे रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इतने उच्च स्तर पर लंबे समय तक छूट देना संभव नहीं है। मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड बिक्री निदेशक शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि बाजार में फिर से जान डालने की हमने कोशिश की, लेकिन हम हमेशा ऊंचे प्रोत्साहनों को जारी नहीं रख सकते क्योंकि वो व्यवहारिक नहीं है। इसलिए आगे इन छूटों और पेशकशों में कमी आने वाली है। इसके बाद अब बड़े कारोबारियों को डिजिटल भुगतान लेना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ग्राहक या दुकानदार से डिजिटल भुगतान के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जाएगा। बदले हुए ये नियम 50 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर ही लागू होंगे। अब हम बात करें अगले नियम की, तो 1 नवंबर से महाराष्ट्र के सभी बैंकों के समय में भी परिवर्तन देखा जाएगा। अब यहाँ सभी सरकारी बैंक एक ही टाइम पर खुलेंगे और बंद होंगे। नए टाइम टेबल के हिसाब से बैंक अब सुबह 9 बजे खुलेंगे और शाम में 4 बजे तक कारोबार होगा। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने देश में बैंकों के कामकाज का समय एक जैसा करने का निर्देश दिया था। और अगर हम बात करें अब अंतिम नियम की, तो तेल कंपनियां भी CNG और PNG के दामों पर परिवर्तन कर सकती हैं। इसका असर सीधे आम आदमी की जेब और रसोई पर पड़ता है। गैस की कीमतों में कमी होने से जहां बिल कम आएगा, वहीं कीमत बढ़ने से आपके ऊपर ज्यादा भार पड़ेगा। तो ये तो थी जानकारी 1 नवंबर से बदलने वाले नियमों की। आप भी इन सारे नियमों को ध्यान से पढ़ें और सतर्क हो जाएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टबुल न्यूज एंड मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।
थैंक यू।